ही ऑल डियर स्टूडेंट मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन बायोलॉजी टॉप टेक चैनल। तो ऑल डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर, जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सेकेंड एग्ज़ाम होने वाला है, डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेशनल एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है आप लोग का डी फार्मा फर्स्ट ईयर में, उस सब्जेक्ट से जो आने वाले जो फर्स्ट सेशनल एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे और कितने घंटे का टाइम रहेगा आप लोग का, टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर कितने रहेंगे और जो क्वेश्चन होगा वो कितने मार्क्स का होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग का जो टोटल क्वेश्चन होगा वो 20 मार्क्स का रहेगा, जो है फुल पेपर जो है आप लोग का 20 मार्क्स का है, जिसमें 15 मार्क्स लाना आप लोग को जो कंपलसरी है। आपको जो टाइम मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए, वह 1 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा आप लोग को पेपर सॉल्व करने के लिए। सेशनल एग्ज़ाम्स में क्या होगा, आप लोग को जो है बी कॉपी सी कॉपी जो है प्रोवाइड की जाएगी, बट मेन एग्ज़ाम में सिर्फ ओनली ए कॉपी मिलती है। तो आप लोग को यह बात ध्यान में रखना कि जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें सिर्फ एक ही कॉपी मिलेगी आप लोग को पेपर सॉल्व करने के लिए, ना कि बी कॉपी नहीं दी जाती, सिर्फ ओनली 1 कॉपी ही दी जाती है। तो यहाँ पर हम इसी के बारे में बात करेंगे। बाकी जो सेशनल एग्ज़ाम्स होता है वह आपके टीचर कहाँ से कहाँ तक, मतलब किस चैप्टर से लेकर किस चैप्टर तक पढ़ाए हैं, उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो अगर वो लोग एक चैप्टर से लेके 5 चैप्टर तक ले रहे हैं, तो आप लोग को एक चैप्टर से लेके जो 5 चैप्टर है उसके क्वेश्चन जो है आप लोग को रेडी करना होगा अपने सेशनल एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आप सभी को अटेम्प्ट करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है CHF स्टैंड फॉर, तो CHF का मतलब होता है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। CHF का पूरा नाम होता है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल पेसमेकर नोन एज, तो नेचुरल पेसमेकर जो है SA, हार्ट के SA नोड को जो है नेशनल पेसमेकर के नाम से जाना जाता है। जो SA का पूरा नाम होगा साइनो आर्ट्रियल नोड जो है इसी को जो है नेचुरल पेसमेकर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरटेंशन इज अ टाइप ऑफ, तो यहाँ पे आप लोग जो है हार्ट डिसीज़ भी लिख सकते हैं और जो है सेकंड ऑप्शन है आप लोग के पास कार्डियक डिसीज़। जो हाइपरटेंशन होता है वह कार्डियक डिसीज़ या फिर हार्ट डिसीज़ का एक प्रकार होता है, तो कार्डियक और हार्ट एक ही शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रेट ऑफ रिस्पायरेशन, तो इसका किसी किसी बुक में दिया है 14 से 18 बार, किसी में दिया है 15 से 18 बार, तो आप लोग नॉर्मली लिखिएगा 14 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायरोरिसेप्टर क्या है, तो इसको आप लोग को जो यहाँ पे बताना होगा बायोरिसेप्टर किस टाइप के रिसेप्टर हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा COPD का फुल फॉर्म जो हो जाएगा कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, डी का हो जाएगा डिसीज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा क्या कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव OBSTRUCTIVE ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है, ये आप लोग को बताना रहेगा। GERD का फुल फॉर्म हो जाएगा गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, हम ऊपर लिख दे रहे हैं रिफ्लक्स डिसीज, तो फुल फॉर्म हो जाएगा गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स और डिसीज हमने ऊपर लिख दिया है गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नंबर एंड नेम ऑफ वाल्व प्रेजेंट इन हार्ट, हार्ट में पाए जाने वाले जितने भी वाल्व पाए जाते हैं उसको आप लोग को बताना है और जितने भी और उनके नाम बताना है उन वाल्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड वाला लीवर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, लंग रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कोरोनरी आर्टरी आर्ट्रियम जो है वह सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। सेक्शन बी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, किन्हीं 5 क्वेश्चन को आप लोग को करना रहेगा। फर्स्ट इज अ राइट अ नोट ऑन सिस्टमैटिक सर्कुलेशन पर आप लोग को नोट टिक लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ लगा लीजिएगा अपनी बुक या आपके पास जो कुछ भी नोट्स वगैरह जो होगा उसको देख देख के लगा लीजिएगा,
ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शनल एग्जाम्स के लिए भी और जो है फाइनल एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा द नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डिफाइन कार्डियक साइकिल, डिस्कस इन डिटेल। कार्डियक साइकिल आपको डिफाइन करना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? तो लंग्स में जो सर्कुलेशन होता है वही पल्मोनरी सर्कुलेशन है। गिव अ ब्रीफ नोट ऑन कार्डियक एरिदमिया, जो कार्डियक एरिदमिया है इस पर आप लोग को संक्षेप में बताना है, मतलब नोट लिखना है। फिर सेक्शन सी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अटैम्प्ट एनी थ्री क्वेश्चन, डिस्कस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट विद हेल्प ऑफ नीट 11 क्लीन डायग्राम। आपको हार्ट की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी बतानी है और आपको जो क्लीन डायग्राम बनाना है हार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन को डिफाइन कीजिए, ड्रा एंड लेबल द फिगर शोइंग रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम का आप लोग को जो है क्लीन डायग्राम बनाना है यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन ब्लड वेसल, ब्लड वेसल पर आप लोग को नोट लिखना है। गिव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टमक, स्टमक के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को आप लोग को बताना रहेगा। बाकी हम बात कर लेते हैं सेशनल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में। तो सेशनल एग्जाम्स में जो आप लोग से फर्स्ट सेशनल एग्जाम्स में इन सभी क्वेश्चन में से भी पूछा जाएगा, बाकी जो पूछे जाएंगे आप लोग से पूछा जाएगा स्कोप, स्कोप ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का स्कोप क्या है ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा जो है आप लोग से, स्ट्रक्चर ऑफ सेल पूछ लिया जाएगा, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और जो है गिव या डिटेल नोट ऑन पूछ लिया जाएगा जो है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, एक ही क्वेश्चन में ये सभी आ जाएगा। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, राइट डिटेल नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया एक ही में, और आपसे ये भी पूछा जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड कंपोनेंट, सेल के जो कंपोनेंट रहेंगे कितने पार्ट से मिलकर बना है इसके बारे में। बाकी आपसे जो सेल का फंक्शन, जो सेल होगा कोशिका जो है इसका फंक्शन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे इपिथीलियल, इपिथीलियल जो है और कनेक्टिव, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपसे क्वेश्चन पुट अप कर दिया जाएगा। बाकी जो है आप लोग जो है नर्वस टिश्यू को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, नर्वस टिश्यू जो है तंत्रिका ऊतक इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फंक्शन ऑफ बोन्स ऑफ एक्जियल, एक्जियल एंड अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन जो रहेगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अपेंडी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन ऑफ एक्जियल अपेंडिकुलर स्केलेटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग से पूछा जाएगा इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन टाइप एंड मूवमेंट ऑफ जॉइंट। आपसे क्या पूछा, क्लासिफिकेशन ऑफ, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, ऐसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, पूछ सकता है गिव टाइप एंड मूवमेंट ऑफ जॉइंट, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट, राइट डिटेल नोट ऑन डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स ऑफ जॉइंट्स, राइट डिटेल नोट ऑन डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट, टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ इन जॉइंट, और पूछ लेगा क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। नेक्स्ट चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हो जाएगा कंपोजिशन एंड फंक्शन, पूछा जाएगा कंपोजिशन हो जाएगा फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का कंपोजिशन और फंक्शन क्या रहेगा इसके बारे में पूछा। तो कंपोजिशन में आ जाएगा ब्लड के कितने पार्ट हैं, कितने से मिलकर बना होता है, और कितने जो है कितने अमाउंट में इसमें प्रेजेंट होते हैं आपसे। बल्कि नो और नोट पूछा जाएगा हीमोपोइसिस, व्हाट इज हीमोपोइसिस, तो ब्लड के फॉर्मेशन को ही हीमोपोइसिस कहते हैं ना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन बॉडी इज नोन एज हीमोपोइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो इसमें से पूछ लिया जाएगा करेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स।
ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म जो है आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग को इस पर टॉपिक चाहिएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इस पर वीडियो बना देंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग जो है, इस पर क्वेश्चन हर बार एग्जाम्स में पुटअप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ऐसे पढ़ लीजिएगा, ब्लड ग्रुप और जो है ब्लड ग्रुप और ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ RBC, ये चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी उसके बाद आ जाता है आप लोग का लिम्फैटिक सिस्टम। तो लिम्फैटिक सिस्टम में जो है आप लोग को पढ़ना रहेगा लिम्फ, लिम्फैटिक सिस्टम की लिम्फ ग्लैंड, हॉट इज लिम्फ ग्लैंड गिव फंक्शन एंड इट्स फॉर्मेशन, ऐसे पूछा जाएगा या फिर पूछ लिया जाएगा। गिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन, प्लीहिया जिसे ब्लड का कब्रिस्तान कहते हैं, ग्रेवयार्ड। गिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, गिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाएगा। बाकी आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल बायोलॉजी टॉप टेक।